यह कच्चा नारियल है, इसमें पानी भरी हुई है। मैंने बूझ को पूरा छील दिया है। अब ये ऊपर वाले हिस्से को रखा हूँ, ये एंटीना का काम करता है, ये 5G का एंटीना है मेरे ख्याल से ये, हाँ। और इसको आपको ऐसी पकड़ना है, ऐसी, चाहे आप यहाँ पर भी रख सकते हो, कहीं पर भी रखो, ऐसी रखे हो तो मूवमेंट आगो ऑटोमेटिक जहाँ पानी रहेगा ऐसा हो जाएगा। तो चलिए हम अब इस नारियल से पानी जांच कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं, फिर आप अपने घर में, खेत में, खलिहान में, किसी फार्म हाउस में प्रयोग करके देखना। उसके बाद हमको फ़ोन करना कि सर हमको इस तरह से कंपन हो रही है या थोड़ी उठ रही है, ज़्यादा उठ रही है, तो वो हमको फ़ोन करके बता देना, हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। चलिए तो हम अब यहीं से बढ़ते हैं आगे। तो हाथ को ऐसे रखते हैं और ये नारियल को ऐसा रख दिए। क्या है, खेत में चना का फसल है, इसलिए मैं चना का फसल ख़राब ना हो इसलिए मेड़ में चलते चल रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, आप नारियल को देखते चलिए। और जब आप अपने खेत में या घर में पानी जांच करें तो बिल्कुल इसको जीरो पोजीशन में रखना है। इसमें किसी प्रकार की माइंड से या अपनी बॉडी से किसी प्रकार की कोई कंपन होने नहीं देना है। चाहे पानी कहीं पर रहे या ना भी रहे, आपको समान तौर पे चलते ही चलना है। तो देखिए जैसे मैं चल रहा हूँ, यहाँ तक कोई नारियल में मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, मतलब मान के चलिए यहाँ पर पानी नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। ये एक्चुअली में पूरा ड्राई एरिया है, यहाँ पानी नहीं है, और पानी रहेगा वहाँ पर ऑटोमेटिक खड़ी हो जाएगी, लेकिन पानी कहाँ मैं अभी नहीं बता सकता, ये नारियल बताएगी। तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। और आज आप लोग जब अपने घर में चलना शुरू करेंगे तो ये मत सोचना कि यहाँ खड़े नहीं हो रहा है नारियल, कैसे खड़े नहीं हो रहा है। तो भाई पानी जहाँ पर धार चल रही होगी या दो तीन धारों का जहाँ पर जंक्शन रहेगा, जिस पानी में जंक्शन रहेगी वहाँ पर ये खड़ा होगा। तो यहाँ तक कोई पानी नहीं है इसलिए हम नॉर्मल तौर पर चल रहे हैं, जहाँ पर पानी खड़ी होगी, पानी मिलेगी वहाँ पर ये खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई गतिविधि नहीं है भाई, चलिए देखते हैं, कोई गतिविधि नहीं है। कैमरा मैन चलते चलिए भाई, कोई पानी नहीं है, यहाँ पर पूरी ड्राई है। यहाँ पर हल्का से मूवमेंट हुई है, हल्का से, मतलब मान चले कि यहाँ ये इस पोजिशन, पैर को देखिए, इस पोजीशन में ये यहाँ पर पानी नहीं है, इस पोजीशन में है ये हल्का से, वही आधा पौन इंच का है, ज़्यादा नहीं है, घर में पीने खाने के लायक हो जाएगा लेकिन किसी काम के लिए नहीं है। तो इसकी धार कहाँ है देख लो, यहाँ मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर है ये, इसकी दिशा कहाँ पर है, घूम कर देखते हैं, पैरों से ही, पैर को भी देखते रहिए, ये तो इसकी धार जो है ऐसी है ये, लेकिन धार उतनी ज़्यादा नहीं है, मोटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जहाँ पर ये देखिए इधर पानी शुरू हो गया है, पानी शुरू हो गया है, ये हाँ ये पोजीशन एक नंबर की पोजीशन है। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पीछे हटा हूँ तो फिर चेक कर रहा हूँ धार कहाँ पर है, किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ नहीं है धार जो है यहाँ पर है, ये इस पोजीशन में है, मतलब ये धार की पोजीशन जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। आमतौर पर बोला जाता है धार की दिशा जो है पूरब से पश्चिम होती है, ये दिशा पूरब है, इधर पश्चिम है, लेकिन यहाँ पर स्थिति विपरीत है, यहाँ धार की जो दिशा है ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ये हम धार ही में चल रहे हैं, ये हट गया थोड़ा से, यहाँ पर है हमारे पिछले कदम में पानी है लेकिन हमारे आगे वाले कदम में कुछ नहीं है। तो फिर हम चलते हैं, देखिए ये यहाँ वाले कदम में है पानी, यहाँ वाले कदम में है पानी, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक ही कदम में कितनी फासला होता है नारियल से, देखिए ये देखते चलिए, जीरो 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 जीरो, ये यहाँ पर कुछ नहीं है भाई। फिर पीछे चलते हैं तो पानी यहाँ से मुड़ गई है, इसका इस दिशा में है, इस दिशा में है पानी, ये यहाँ से फिर डाउन हो गई है। तो यहाँ पर पानी है, ये पानी जो है पीछे तरफ से आई है, मतलब ये कहा जाए कि पूरब तरफ से आई है, और ये पानी यहाँ से उत्तर दिशा में बह गई है, इसकी धार जो है आगे है, ये यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर दो तीन धार हैं,
यहाँ पर दो तीन धार है, यहाँ पर कुछ रखते हैं, चलिए हम निशान के तौर पर यहाँ पर कुछ रखते हैं, ये रख दिए यहाँ पर। तो यहाँ और हमारी धार ऐसा है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये धार एक्चुअली में कहाँ पर है। ये देखिए ये तो ये धार हमारा जो है यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर निशान के तौर पर रख देते हैं ये। अब हम चेक करते हैं कहाँ पर है, ये तो पहली वाली धार है जो उधर से आई है, अब इस दिशा की धार कहाँ पर है इसको भी देखते हैं। ये यहाँ पर की पोजीशन में है भाई, ये अब हमारी धार कहाँ पर, यहाँ पर हो गई और ये जो है सेंटर पॉइंट है, दो धारों का मिलन है। यहाँ पर स्पीड तेज हो गई है, यहाँ पर संभाले नहीं संभल रहा है, जैसे हटते हैं तो डाउन हो जाता है थोड़ा से। ये दोनों धार के बीच में पानी है, इसको फिर एक बार कम करके ज़्यादा करके देखते हैं। ये गतिविधि देखिए, इधर आ जाइए भाई, दिखाइए सबको ये जैसे हटेंगे धार से कॉमन तौर पे नॉर्मल हो जाएगा, ये जैसी धार पे हम जाएंगे पॉइंट में ये फिर आ जाएगी ये। तो हमारा ये सेंटर पॉइंट ही है। अब रही की बात इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई को भी नापना जरूरी है, क्योंकि आप धार तो पहचान लेंगे लेकिन यदि आप मोटाई नापना नहीं सीखे हैं, नहीं आते, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आखिर ये कितनी मोटाई, यहाँ पर कितने HP का पानी चलेगा। तो हमें उस बात को भी अनुमान लगाना है कि यहाँ पर 2 HP लायक है कि 3 HP के लायक है। देखिए ये, तो चलिए हम सेंटर पॉइंट यहाँ पर देंगे, तो हम यहाँ पर बैठ जाते हैं चलिए, क्योंकि ये जींस पहने रहोगे ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो ये चलिए बैठ जाते हैं भाई। चलो ये अब ये पॉइंट तो देना है हमें, क्योंकि हम धार में ही बैठे हैं, तो फिर उठना पड़ेगा भाई, हम धार में ही बैठ गए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर डायरेक्ट मूवमेंट है, हम उंगली को दिखा, इधर आइए भाई इधर, ये यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाता है ये इस वाले भाग में। देखिए यहाँ पर हम रख दिए ये देखते हैं ये देखिए उंगली को, यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गई है। अब हम उस साइड में जाकर देखते हैं, इसको ख्याल रखना भाई ये तो चलिए इधर आके देखते हैं, इधर आ जाओ भाई इधर। अभी हम धार में जा गए नहीं हैं, तो अभी धार में है, हमें इस मूवमेंट को चेक करना है, तो ध्यान रखिए हमारा उधर से आए तो ये वाला मूवमेंट था, अब हम इधर जा रहे हैं, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं है। देखिए नारियल भी देखिए, उंगली भी देखते रहिए, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट यहाँ से शुरू हो गई है। देखिए यह हम एक यहाँ पर और रख देते हैं ये, अब देखते हैं इधर से देखिए ये यहाँ फेंक दे रहा है, मतलब क्या है, यहाँ फेंकने का वजह यह है कि इधर से भी धार गई है और इधर से भी गई है, दो धारों का एक ही सेंटर पॉइंट में मिलन हो रहा है। तो इसकी मोटाई देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है ये नारियल भी देखिए और उंगली भी देखते रहिए, ये दूर से ही लेना शुरू कर रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक शुरू हो गई है। देखिए ये अब इधर से और एक बार आकर दिखा देते हैं आपको कितनी चौड़ाई है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक नारियल खड़ा हो गया, ये देखिए। तो इसकी चौड़ाई कितनी है देखिए भाई, ये 4 अंगूर और ये 4 × 7 अंगूर, 7 उंगली की चौड़ाई है, मतलब मान कर चलिए कि 6 इंच उधर, चलिए भाई 6 इंच की चौड़ाई है यहाँ पर, मतलब आपका 7-8 HP का मोटर पंप आसानी से चल जाएगा। इसी तरह से आपको अपने घर में भी रिसर्च करके देखना है कि वास्तविकता में कितनी पानी है। हम क्या करते हैं, बोर करवाते हैं, कोई जांच करने वाले बुला लेते हैं और वो बता देता है कि भैया इतना पानी है, कम पानी रहेगा तो भी बता देगा कि इतनी पानी है, 3 HP का, 5 HP का, हालांकि 1 HP रहेगा लेकिन वो बोल देगा, उसको पैसे से मतलब रहता है। लेकिन आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि कितनी HP की पानी है, इसी तरह से उसकी विधि है। अंदर की पानी को कोई नहीं नाप सकता, लेकिन नापने के लिए भी इसके लिए भी एक तजुर्बा चाहिए, जो आदमी एक्सपर्ट होता है वही आदमी नाप सकता है, और लल्लू पंजू वाले जो ही रहते हैं ना पानी जांच करने वाले, वो नहीं नाप सकता। इसके लिए विशेष तौर पर आपको
रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लॉन्ग टाइम तक का रिसर्च किया है। इसी आधार पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए ये कुछ नहीं है, देखिए उंगली भी देखते रहिए, ये हो गया ना इधर से, ये देखिए नारियल। अब इधर से भी दिखा रहा हूँ, देखते चलिए, यहाँ कुछ मूवमेंट नहीं है, यहाँ नहीं है। अब ये देखिए आ गई मूवमेंट, अब ये नाप कर देख लिए, 7-8 अंगूर हो गया ना आपका। तो इसी तरह से आपको नापना है, तो आप अपने घर पे नाप पानी का जो धार है ना उसको नापने के लिए एक्सपर्ट आदमी बुलाइए, और आपके एक्सपर्ट आदमी नहीं है ना आपके एरिया में तो सॉरी भाई, अभी जिंदा है, मुझे एक बार अवश्य कॉल करिए, मैं आपकी सेवा में बिल्कुल दौड़ा चलाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7000716599। तो हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।